नमस्कार मित्रों, स्वागत है अपनी आ यूट्यूब चैनल ट्रीक गुजराती में। तो मित्रों, राज्य सरकार द्वारा घनी बधी योजनाओं चालती होय छे, तेमांथी केटलीक योजनाओं एवी होय छे जेनो लाभ सीधो डायरेक्ट लाभार्थीना खातामां नाणाकीय सहाय स्वरूपे मळतो होय छे, ज्यारे केटलीक योजनाओं एवी पण होय छे जेमां परोक्ष रीते सहाय मळती होय छे। तो आजे आपणे आ विडियोमां महिला अने बाळ कल्याणनी जे विविध योजनाओं छे ते पैकीनी नारी संरक्षण आश्रय गृहो विशेनी माहिती मेळवीशुं। तो मित्रों, आ नारी संरक्षण आश्रय गृहो शुं छे, ते योजनानो हेतु अने उद्देश्य शुं छे अने तेनो लाभ कई रीते अने कोने मळे छे ते अंगेनी संपूर्ण माहिती आपणे आ विडियोमां मेळवीशुं। तो विडियोने छेल्ले सुधी जोता रहेजो। ते पहला जो अपनी आ चैनल पर नवा आवेला होय अने चैनल ने हजू सुधी सब्सक्राइब न करी होय तो चैनल ने सब्सक्राइब करी बाजू में रहेल बेल आइकॉन प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन चालू करी लेवा विनंती, जेथी करी अपनी चैनल पर ज्यारे पण नवी माहिती मूकवामां आवे त्यारे ते माहितीना विडियोनुं नोटिफिकेशन तमारा मोबाइल पर मळी जाय। तो चालो शरू करीए आजनो आपणो आ टॉपिक। तो मित्रों, महिला अने बाळ कल्याणनी अलग अलग योजनाओं छे ते पैकी आज आपणे नारी संरक्षण आश्रय गृहो विषे माहिती मेळवीशुं। तो तमे स्क्रीन पर जोई शको छो, महिला अने बाळ विकास विभाग अंतर्गतनी आ जुदी जुदी घणी बधी योजनाओं छे ते पैकी आज आपणे आ नारी संरक्षण आश्रय गृहो विषे माहिती मेळवीशुं। त्यार पछी आपणे क्रमशः अलग अलग जे योजनाओं छे तेनी माहिती मेळवता जईशुं। तो चालो आपणे हवे तेनी माहिती जोता जईए। तो मित्रों, नारी संरक्षण आश्रय गृहों में जोईए तो योजनानो उद्देश्य अने हेतु। तो आ योजनानो उद्देश्य जे घरेलू हिंसाओं सामे स्त्री रक्षण अधिनियम 2005 हेठळ जरूरियातमंद पीड़ित महिलाओं ने आ नारी संरक्षण गृह केन्द्रों, प्रिवेंटिव रेस्क्यू होम्स में आश्रय मळी रहे ते हेतु थी आ संस्थाओं ने सरकारे शेल्टर होम तरीके जाहिर कर्या छे। तो मित्रों, 10 सरकारी नारी संरक्षण गृह के केन्द्रों कार्यरत छे। आ केन्द्रों में रहती युवतीओ 18 वर्ष थी वधु उमरनी थता तेओने साथे लग्न करवा माटे आवेल दरखास्तनी चकासणी करी अने त्यारबाद नियमानुसारनी कार्यवाही करीने लग्न पण कराववामां आवे छे। अने राज्य में 6 प्रिवेंटिव रेस्क्यू शेल्टर्स एनजीओ द्वारा कार्यरत छे। तो आम मित्रों, जे जरूरियातमंद पीड़ित महिलाओ होय तेओने आजे नारी संरक्षण आश्रय गृहो छे तेमां राखवामां आवे छे अने युवतीओ 18 वर्षथी वधुनी उमरनी थता तेओना लग्न पण करावी आपवामां आवे छे अने लग्न माटेनी जे दरखास्त आवेली होय तेनी चकासणी कर्या बाद तेमना लग्न पण करावी आपवामां आवे छे। तो कुल 10 सरकारी नारी संरक्षण गृहो छे अने राज्यमां बीजा 6 प्रिवेंटिव रेस्क्यू शेल्टर जे एनजीओ द्वारा कार्यरत छे। त्यार पछी मित्रों, आपणे आ योजना विशे आगळनी माहिती जोता जईए। तो मित्रों, आवक मर्यादा में जोईए तो आवक अंगे कोई मर्यादा नथी अने लाभार्थीना प्रकार विषे जोईए तो कोईपण युवती के महिला ने आ नारी संरक्षण आश्रय गृहों में लाभ मळी शके छे। पात्रताना धोरणनी वात करीए तो तमाम प्रकारनी युवती के महिलाओं आ योजना माटे पात्र गणाय छे। तो मित्रों, सहायनी वात करीए तो सहायमां कंई जणावेल नथी, पण आपणे जे उपर जोई गया ते मुजब जे नारी संरक्षण आश्रय गृहों छे तेमां जे आवी जरूरियातमंद पीड़ित महिला होय तेओने आश्रय आपवामां आवे छे अने तेओ 18 वर्षथी वधुनी उमरना होय तो तेओनी जे लग्न माटेनी दरखास्त आवेली होय तो ते दरखास्तनी चकासणी करी अने त्यारबाद तेओना लग्न पण करावी आपवामां आवता होय छे। मंजूरीनी प्रक्रियानी वात करीए तो महिला द्वारा अरजी कर्या बाद रोजगार कचेरी द्वारा मंजूरी आपवामां आवे छे अने आ योजनानी अमलीकरण करती कचेरी अने अधिकारीनी वात करीए तो अधिक कमिश्नरश्रीनी कचेरी महिला विंग ए अमलीकरणनी कचेरी छे अने अधिकारीनी वात करीए तो कमिश्नरश्री महिला अने बाळ विकास विभाग ए आ अमलीकरण अधिकारी छे। छेल्ले मित्रों, आपणे अरजी समये रजू करवाना थता पुरावा के प्रमाणपत्रमा जोईए तो अहींया वधु विगत जणावेल नथी, एटले मात्र जे अरजी कर्याथी ज आ योजनानो लाभ मेळवी शकाय छे। तो मित्रों, आ प्रमाणे जे नारी संरक्षण आश्रय गृहो छे तेमां घरेलू हिंसा सामे जे स्त्री रक्षण अधिनियम छे ते हेठळनी जे जरूरियातमंद पीड़ित महिलाओ होय तेओने लाभ मळवापात्र थाय छे। तो आ नारी संरक्षण आश्रय गृहो ए आवी पीड़ित महिलाओ माटे खूब ज उपयोगी साबित थई जाय छे। तो मित्रों, जो तमने मारो आ वीडियो पसंद आयो होय तो लाइक करजो, मित्रों साथे शेर करजो, जरूर जणे तो कॉमेंट करजो अने हाँ, आपणी आ चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलशो नहीं। फरी मळीशुं नवा विडियो साथे, त्यां सुधी रजा लो। जय हिंद, वंदे मातरम।